नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बिग बॉस OTT 2 के विनर और यूट्यूबर एल्विश यादव से जुड़ी इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। नोएडा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। सांप के जहर की तस्करी के मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। बता दें, एल्विश को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल एल्विश यादव लगातार कंट्रोवर्सी में बने हुए थे। पिछले साल यूट्यूबर सांप के जहर की सप्लाई करने और रेव पार्टी के मामले में बुरे फंसे थे, जिसके बाद इस मामले में खुलासा भी हुआ था कुछ दिनों पहले। लेकिन अब पुलिस ने उन्हें रविवार को पूछताछ के लिए बुलाया था। फिर से पूछताछ के बाद एल्विश को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें, एल्विश यादव को कुछ देर में कोर्ट में पेश किया जाएगा। आपको मामला एक बार विस्तार से समझाते हैं। हुआ कुछ यूं कि ये सब कुछ पिछले साल शुरू हुआ था, जब बीजेपी नेता मेनका गांधी के NGO ऑर्गेनाइजेशन के एनिमल वेलफेयर ऑफिसर गौरव गुप्ता ने नोएडा पुलिस को एल्विश यादव के खिलाफ शिकायत की थी। गौरव गुप्ता ने नोएडा पुलिस को एल्विश यादव के खिलाफ शिकायत करते हुए FIR में लिखा था, एल्विश जिंदा सांपों के साथ दिल्ली NCR के फार्म हाउस में वीडियो शूट कराता है। गैर कानूनी रूप से रेव पार्टियों में इन सांपों और उनके जहर का इस्तेमाल होता है। इन पार्टियों में स्नेक वेनम और दूसरे ड्रग्स का सेवन किया जाता था। इसके बाद नोएडा की एक पार्टी में रेड पड़ी, जिसको लेकर कहा गया था कि इस पार्टी में एल्विश ने सांपों का जहर सप्लाई करवाया था। और नोएडा पुलिस ने रेड के दौरान बरामद हुआ जहर जयपुर FSL को भेजा था, जिसमें खुलासा हुआ था। बता दें, नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव समेत सपेरों के खिलाफ केस दर्ज किया था। 5 लोग गिरफ्तार हुए थे। वही अभी कुछ दिनों पहले ही एल्विश यादव सागर ठाकुर उर्फ मैक्सटन के साथ मारपीट को लेकर चर्चा में आ गए थे। हाल ही में वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो मैक्सटन को मारते पीटते दिखाई दे रहे थे। हालांकि वो मुद्दा तो बंद हो गया, लेकिन अब एल्विश यादव की गिरफ्तारी हो गई है। उनसे जुड़ी जो भी अपडेट सामने आएंगे, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अंत में आपको सुनाते हैं कि मेनका गांधी ने एल्विश यादव को लेकर, इस मामले को लेकर उस वक्त क्या कहा था, सुनिए। जी, PFA ने ट्रैप लगा करके उनको, उनके लोगों को पकड़ा है। ये जो बंदा है, इसके ऊपर हमारी नजर बहुत दिनों से है, क्योंकि ये जो अपने फिल्में खींचता है, फोटो खींचता है और लगाता है YouTube पर, उसमें वो सांप अक्सर पहनता है। तो फिर ये सारे के सारे सांप इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, पाइथन्स हैं, कोबराज हैं, और इनको लेने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए 7 साल की सजा है। संगीन जुर्म माना जाता है, Schedule 1 एनिमल है। फिर उसके बाद पता चला कि ये बेचता है इनका वेनम। तो ये ट्रैप के लिए हमने उन्हीं को ही फोन करके कहा कि हम पार्टी कर रहे हैं, आप अपने लोगों को भेजिए। पहले उसने लोगों को भेजा देखने के लिए कि ये ट्रैप है या क्या है, लेकिन उसको लगा कि सब कुछ सही है, तो 5 लोगों को भेजा स्नेक वेनम के साथ और सांपों के साथ, और ये सप्लाई करता है गुड़गांव में और नोएडा में। ऐसे है कि क्या होता है कि लोगों की असलियत बाद में पता चलता है। हम लोग हमेशा बेनिफिट ऑफ द डाउट देते हैं कि होगा कोई शरीफ इंसान, बाद में पता चलता है कि TRP बढ़ाने के लिए कुछ लोग कुछ भी कर सकते हैं। और एक दफा थोड़ी सी चस्का लग गई मशहूरता की, तो फिर वहाँ हेडलाइन में रहने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार।